हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम किसी चीज की अनबॉक्सिंग नहीं, एक फुल इन डेप्थ रिव्यू लाया हूँ रेडमी नोट 8 प्रो का आफ्टर 15 डेज यूजेस के बाद। हाँ, टोटल मैंने इसे 15 दिन लगभग यूज कर लिया है। मैंने लगभग इसे मतलब 7 तारीख को खरीदा था, 15 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन मैं इसको कंटिन्यूसली नहीं कर पाया उतने दिन 7 दिनों से, क्योंकि कुछ दिन इसे बीच में भी रखा मैंने, लेकिन लगभग मैंने इसे 15 दिन यूज किया। तो आज इसी का मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ, प्लस इस फोन का गिव अवे रहेगा और कुछ, और साथ ही साथ भाई आपको गिव अवे का जो डिटेल्स है वो आपको वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा आप एंड तक जरूर देखिएगा। और भाई ये जो Redmi Note 8 Pro है, इसे मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदा था, मुझे सेम प्राइस पड़ा था ऑनलाइन ऑफलाइन। 6GB 64GB वाला इसका वेरियंट है मेरे पास, और इसी का मैं करने वाला हूँ आज, मतलब आपको बताने वाला हूँ रिव्यू, मेरे को ये फोन कैसा लगा, गेमिंग एक्सपीरियंस वगैरह। सबसे पहले हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, तो भाई बिल्ड क्वालिटी यार काफी कमाल की दी गई है। यहाँ पे हमको ग्लास बैक दिया गया है, और भाई नीचे टाइप सी पोर्ट भी दिया गया है। साइड के जो फ्रेमिंग है वो प्लास्टिक की है, वो सिर्फ मुझे अच्छी नहीं लगी, और बाकी चीजें हैं इसमें जो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी वो सब मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी बायस्ड रिव्यू नहीं रहने वाला ये। और भाई यहाँ पे जो है ना भाई, मेरे को इसकी बिल्ड क्वालिटी पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। रियलमी के जो फोन्स आते हैं रियलमी X2 XT वगैरह, उससे तो खासकर मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लगी है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो भाई यहाँ पे हमको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जो कि अच्छी लगी है मुझे डिस्प्ले। लेकिन यार इस प्राइस रेंज में सुपर एमुलेट अगर आप दे देते ना यार, फोन भाई पूरा अच्छा बन जाता, काफी कमाल का फोन बन जाता। और भाई इसके अभी हम कैमरा मोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड्स मिलते हैं, सबसे पहले एक स्लोमो मिल जाता है जिसमें आप मैक्सिमम 960fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमको शॉर्ट वीडियो मिल जाता है, देन हमको वीडियो मिल जाता है, देन फोटो मिल जाता है, देन 64 मेगापिक्सल मिल जाता है, फिर पोर्ट्रेट मिल जाता है, फिर नाइट मिल जाता है, पैनोरामा एंड प्रो मोड मिल जाता है। इसके सैंपल्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। Alexa, play slowly slowly song. Slowly slowly from Hangama Music. और भाई ये था एलेक्सा, इनबिल्ट एलेक्सा, इसके काफी कमाल का, बहुत अच्छे जल्दी से रिस्पांस दे देते हैं। बस मैंने एक बार आपको स्टार्टिंग में दिखाया, और भाई कैमरा सैंपल्स आपको नीचे बोल रहा हूँ, मतलब लास्ट में मिल जाएंगे, एंड में वो भी देख लीजिएगा। और भाई बात रही इसकी डिस्प्ले की, डिस्प्ले काफी ब्राइट है और मुझे काफी अच्छा लगा है। आप अगर धूप में भी यूज करते तो आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन यार अगर सुपर एमुलेट रहती ना तो यार काफी अच्छा रहता। ये मुझसे सिखाया था कि भाई सुपर एमुलेट इन्होंने नहीं दिया। डार्क मोड भी इसका मुझे कुछ इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि थर्ड पार्टी में ये काम नहीं करता, थर्ड पार्टी एप्स में Alexa इसका डार्क मोड काम नहीं करता। अब बात करते हैं भाई सबके चाहते पबजी मोबाइल की, तो यहाँ पे पबजी मोबाइल स्मूथ सेटिंग्स पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट तक ये सपोर्ट कर लेता है, और भाई यहाँ पे उसके बाद बैलेंस्ड के अल्ट्रा फ्रेम रेट पर, देन HD के अल्ट्रा फ्रेम रेट पर, एंड HDR के अल्ट्रा फ्रेम रेट तक। और भाई इसका मैं आपको बताने वाला हूँ दोनों, HDR अल्ट्रा और भाई स्मूथ एक्सट्रीम का, दोनों का मैं आपको बताने वाला हूँ कैसा रहने वाला है। तो भाई पहले इसको स्टार्ट करेंगे अपन मैच एक ट्रेनिंग मोड में, और भाई प्रोसेसर इसका आपको पता ही है भाई, MediaTek का Helio G90T है, और भाई मुझे काफ़ी अच्छा इसका प्रोसेसर लगता है। और भाई देख सकते हो मैं थोड़ी ब्राइटनेस इसकी कम कर रहा हूँ, अभी भी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, और मैंने इसे कम किया थोड़े ब्राइटनेस को। और भाई फुल HD प्लस इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, और देख सकते हो इधर गेमिंग सेंटर मिल जाता है, यह 60fps चल रहा है, कॉन्स्टेंट 60fps इसमें आपको मिल जाता है पबजी खेलते वक्त। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, मेरे को जो शुरुआत में थोड़ा स्मूथ लगा। तो भाई सबसे पहले हम एक वेस्ट ले लेते हैं, लेवल 3 की ले लेता हूँ मैं, क्योंकि लेवल 3 की वेस्ट लेने के बाद थोड़ा मतलब और भी आ जाते हैं सामान। तो अब इसके बाद एक पैन ले लेते हैं, मेरा पैन तो फेवरेट है यार पबजी में, तो इसे मैं अभी रख देता हूँ। और भाई ये जो है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा फ़ोन, और यहाँ पे एप्पल लेने की जरूरत नहीं, अपन एक गन लेंगे। अरे यार M4 उसने उठा लिया क्या, मेरे को मिनी मिल गया, M4 उसने उठा लिया, मिनी मेरे को मिल गई, M4 वापस आ गए, और M4 मैंने उठा लिया। और यहाँ से थोड़ी बुलेट्स ले लेते हैं, क्योंकि बुलेट्स लगेंगे हमको आगे। और मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कैसा चल रहा है, अभी तक के तो बहुत बटरी स्मूथ चल रहा है, और भाई आगे बताने वाला हूँ इसको अल्ट्रा HDR करके। तो भाई ये मैंने कंपनसेटर ले लिया है, देन बैकपैक देख लो अभी इतना ही कुछ है।
6x स्प्रे इसकी डिफॉल्ट सेंसिटिविटी में दिखाने वाला। अब चलो अल्ट्रा मतलब HDR अल्ट्रा पे करके देखते हैं तो कैसे ग्राफिक्स देख सकते हो। पूरा रियलिस्टिक सा ग्राफिक इन्होंने कर दिया है जो कि काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लगेगा कि आप पबजी PC खेल रहे हो लेकिन पूरा PC वाला एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। बाकी आप देख सकते हो कितना काफ़ी कमाल का लग रहा है, और पबजी में कोई इतना प्रो नहीं हूँ मैं। और यहाँ पे फटाफट से हम कलेक्ट कर लेते हैं अपन, और मैंने ये कलेक्ट कर लिया। इसमें जायरोस्कोप का ऑप्शन आपको मिल जाता है जो कि ठीक ठाक सा वर्क करता है। अगर आपको गेमिंग फ़ोन चाहिए 15,000 के अंदर तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन आपको रहेगा। मेरे पास इसका 6GB 64GB वाला है, और अब हम M4+6X स्प्रे करके दिखाने वाले आपको इसकी डिफॉल्ट सेटिंग में। ये देखो मैं इसको कंट्रोल करके कर रहा हूँ, काफ़ी 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 स्मूथ स्प्रे हो रहा है। इसमें आप आराम से किसी भी एनिमी को मार सकते हो। देखिए कितना कमाल का स्प्रे हो रहा है। इसकी डिफॉल्ट सेंसिटिविटी में मैं कर रहा हूँ, डिफॉल्ट सेंसिटिविटी हाई सेंसिटिविटी आई है जो कि ठीक ठाक सी है, और मैंने इसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया। आप जैसे अगर आप फ़ोन लेते हो तो आपको भैया इसमें आप अपने हिसाब से सेंसिटिविटी सेट कर लीजिए ताकि आपको अच्छा लगेगा। लेकिन भाई एक दिक्कत मुझे इस फ़ोन में लगी, ये फ़ोन जो है बहुत 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 ज़्यादा हीट होता है। मतलब 45 टेम्परेचर चल देगा अगर आप एक घंटा पूरा पबजी खेलते हो तो 45 आराम से चले जाएगा। और भाई इसके मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी, बस वो एक लगी है। और भाई एक बहुत मेजर मेरे को प्रॉब्लम लगी है, ये जो फ़ोन की बैटरी है, अगर मैं पबजी खेलता हूँ, मैं पबजी 2-3 घंटा खेल लेता हूँ है ना, कंटिन्यूस नहीं, मतलब ऐसे एक एक ब्रेक ले लेके है ना, तो उसमें भी मेरे को एक दिन में 2 बार इस फ़ोन को चार्ज करना ही पड़ता है। अब पता नहीं क्यों ऐसा है, या तो मेरे यूनिट में कुछ डिफेक्ट है या तो ये हर एक यूनिट में डिफेक्ट है। इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। आप यूट्यूब वीडियो देखो, पबजी खेलो, कुछ भी करो, आपकी वीडियो बोल रहा हूँ मतलब बैटरी डेफिनेटली बहुत जल्दी ड्रेन हो गई है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है अभी तक मैंने इसे फाइंड नहीं किया है। बैटरी 4500 mAh की, इस हिसाब से थोड़ा धीरे ड्रेन होना चाहिए लेकिन बहुत फास्टली ये ड्रेन होती है। मतलब हमको 18W का चार्जर मिला है डब्बे में तो फिर भी कुछ इतना फास्ट चार्ज नहीं कर देता। तो भाई आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, या तो मेरे यूनिट में डिफेक्ट है या तो भाई ऑल यूनिट्स में। अगर आप रेडमी नोट 8 प्रो यूज़र हो तो भाई प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि आपको क्या बैटरी ड्रेन इशू मिल रहा है। मैं तो खैर से देखूंगा क्या है। बाकी ये वाला यूनिट आपको मिल जाएगा गिव अवे में। अब बात कर लेते हैं गिव अवे की। भाई गलत हो गया, तो भाई चलो अब बात करते हैं गिव अवे की। तो भाई गिव अवे में मैं आपको ये वाला फ़ोन देने वाला हूँ, 6GB 64GB वाला। बात करें कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपको सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। और भाई ये चीज़ आप कर लिए, 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ट्विटर, इन तीनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म में, और अगर आप विनर बन जाते हो तो मैं आपसे इनके प्रूफ मांगूंगा शेयर करने के कि भाई आपने शेयर किया है कि लॉन्च बोल रहा हूँ मतलब रिजल्ट डेट के पहले वो शेयर रहना चाहिए, वो रिजल्ट निकलने के बाद वाला शेयर नहीं चलेगा, और 2 लोगों को शेयर रहना ही चाहिए मिनिमम। मैं आपसे प्रूफ मांगूंगा आपकी स्क्रीनशॉट्स कि आपने शेयर किया है कि नहीं। अब बात करते हैं रिजल्ट कहाँ निकलेगा, कब निकलेगा। तो भाई जैसे ही मेरे 65,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं इस चैनल पे, तो भाई उसी दिन मेरा रिजल्ट निकल जाएगा, इसी चैनल पे निकलेगा वो रिजल्ट, और भाई बहुत मजा आने वाला है। इस चैनल पे हो सकता है मैं लाइव आ जाऊं, जिस दिन भी मेरे 65,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं उस दिन ये रिजल्ट आपको निकलते हुए मिल जाएगा। तो भाई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम। और भाई आगे मैंने कैमरा सैंपल्स लगा रखे तो उनको बिना देखे मत जाइएगा, कैमरा सैंपल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम, होप यू लाइक दिस वीडियो, टाटा बाय बाय। और भाई मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था इसके रैम मैनेजमेंट के बारे में, कि इसका रैम मैनेजमेंट कैसा रहने वाला है, काफ़ी कमाल का इसका रैम मैनेजमेंट है। तो भाई इसका मैं आपको बता दूँ रैम मैनेजमेंट कैसे रहने वाला है। तो भाई रैम मैनेजमेंट जो है, देखो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इसके पहले मैं 1 घंटे पहले इसमें यूट्यूब ओपन किया था, केस्टो भैया की वीडियो देख रहा था मैं, और यहाँ पे अभी भी देखना ये चल रहा है ना, देखो ये है लॉक्ड है और अभी भी चल रहा है। इसका रैम मैनेजमेंट काफ़ी कमाल का। ओके आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।